सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Realme C53 में स्विफ्ट डाउन टू होम स्क्रीन सेटिंग कैसे करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी फ़ोन के होम स्क्रीन पर स्विफ्ट डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सारे नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गए। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दूसरी सेटिंग सेट करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से स्विफ्ट डाउन टू होम स्क्रीन में दूसरी सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा, ताकि आने वाली हर वीडियो को अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको सेटिंग में आना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्विफ्ट डाउन ऑन होम स्क्रीन का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्विफ्ट डाउन टू होम स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन स्विफ्ट डाउन टू होम स्क्रीन में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा ग्लोबल सर्च का और सेकंड ऑप्शन नोटिफिकेशन डोर का। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ मैंने स्विफ्ट डाउन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैंने स्विफ्ट डाउन किया तो मेरा अगेन ही सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन दे रखा हमारा नोटिफिकेशन डोर का। सो फ्रेंड्स, मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ मैंने स्विफ्ट डाउन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गए। अगर मैंने स्विफ्ट डाउन किया तो मेरे नोटिफिकेशन ओपन आ गए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्विफ्ट डाउन टू होम स्क्रीन में इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्विफ्ट डाउन टू होम स्क्रीन सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।